बजाय। अब बढ़ते हैं पंजाब की ओर, जहां पाकिस्तान ने भारत को भेजा करतारपुर कॉरिडोर का अंतिम मसौदा। 3,120 रुपए शुल्क लेने पर अड़ा हुआ है। जी, पाकिस्तान जैसे की बात की जाए तो करतारपुर कॉरिडोर जो है वो आधा बनकर लगभग जो है वो तैयार हो चुका है और जल्द ही बनने जा रहा है। और अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो 8 नवंबर को इसका उद्घाटन करने की भारत में ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है कि कब तक ये बनकर तैयार होगा और कब इसका उद्घाटन किया जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए तो इससे पहले भी पाकिस्तान लगातार इस बात पर अड़ा हुआ था कि शुल्क लिया जाएगा श्रद्धालुओं से वहां के लिए। और भारत ऐसा लगातार भारत की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि जो अगर हम सिख धर्म की बात करें तो उसमें यहाँ पर सेवा दी जाती है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं होता है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि करतारपुर कॉरिडोर के लिए जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनसे शुल्क लिया जाए, तो उस पर यहाँ पर अभी 3,120 रुपए पाकिस्तानी रुपए यानी कि $20 पर यहाँ पाकिस्तान लेने में अड़ा हुआ है। और उसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत को यहाँ पर 4 दिन में ही जवाब देने के लिए भी कहा है कि उनका उस तरफ से ये कहना है कि इतने रुपए जो हैं वो शुल्क के तौर पर लिया जाए और 4 दिन के अंदर ये जवाब उन्होंने मांगा है कि आप ये करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं तृप्त रजविंदर सिंह बाजवा, उन्होंने कहा है कि सरकार ने पाक से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा सुविधाएं दिलाने में सफलता अर्जित की है, लेकिन यदि पाक भारतीय श्रद्धालुओं से $20 का शुल्क लेने पर अड़ा हुआ है तो इस बाबत कहने को और कुछ नहीं बचता, क्योंकि लगातार वो हम लोग यहां से कोशिश कर ही रहे हैं भारत की जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और जब से जम्मू में 370 यहां पर हटाया गया था उसके बाद से ही लगातार कोशिशें की जा रही थी इसका काम जो है, यहां से अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जो उसका काम है वो रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। पाकिस्तान ने एक अच्छा यहां पर संदेश दिया कि वो काम जो है वो नहीं रुकेगा, वो इसको करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहां से लगातार ये कहा जा रहा था और इसका काम नहीं रुका, जल्द ही ये पूरा भी होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर फिलहाल शुल्क लेने पर अड़ा हुआ है और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि श्रद्धालुओं को जो ये शुल्क है वो ना देना पड़े।